الله الرحمن الرحيم। ये वीडियो के जरिए हम किसी का दिल या किसी के धर्म को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। हम तो बस इतनी कोशिश करते हैं कि हर इंसान को हकीकत का पता चले। ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिए सही या गलत। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। नहीं समझता नाना हैदरी भाई, समझ में आई बात? क्या बात है? समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई? नहीं भाई समझ में आई बात? बस खुदा करे आप समझ सके, क्योंकि मैं मेंबर से कहना चाहता हूँ और ये कि हमारा मेंबर इतना गिरा नहीं। अभी हमारे सामाइन भी अच्छे हैं, ये खुतबा का कसूर है जो उनको उन्होंने कुछ आवाम को दिया नहीं। आवाम आज भी देने के लिए तैयार है। मैंने क्या अजीजान मोहतरम के रसूल, किसी की प्राइवेट में प्राइवेट लाइफ जो है वो बीवी है, लेकिन जब रसूल प्राइवेट लाइफ में भी नबी है तो अब बशर कहां है? पहले रिसालत को तो समझो, तुमने रिसालत को नहीं समझा। इस बात को महफूज करना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा कल इसी पर। बंद है, बाहर से ताला लगा हुआ, जनाबे मैडम के बाहर ताला लगा हुआ, और अंदर जाता है जनाबे जकरिया तो फल देखता है। अब इस्माइल के सिलसिले में ऐसी बीबी होनी चाहिए जो बाहर से ताला भी हो और अंदर फल होना चाहिए। रसूल के बीबियों को यह शर्त हासिल नहीं हो सकता, क्यों? कि एक तो अल्लाह ने बताया कि नबी की नबूवत में शक किया, और दूसरी तब तभी मर्दात अजवाज कर, तुम्हारे अजवाज की और मर्जी है, मेरी और मर्जी है। मेरे नौजवानों बात करो, अगर समझ में नहीं आता तो मैंने कैलियर किया था कि मेरे पास जो बैठे मेरे बुजुर्गों को आप पीछे बैठने देते हैं जो बात करने वाले होते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हारी अजवाज की बीबियों की मर्जी और है, मेरी मर्जी और है। अब पता चला अहल बैत में और उम्मातुल मोमिनीन में नहीं। नौजवानों फिर करीब आकर बात करता हूँ, नौजवानों इतने दिमाग होने चाहिए। अब पता चला आल में और अजवाज में, अजवाज वो है जिनकी मर्जी में और खुदा की मर्जी में फर्क हो, जिनकी रिजा में और खुदा की रिजा में फर्क हो, ये है अजवाज। और अहल बैत वो है जिनके लिए खुद खुदा कहे वमा तशाउन इल्ला इंशाअल्लाह। ए अहल बैत रसूल, तुम चाहते नहीं, वो चाहते हो जो मैं चाहता हूं, जो तुम्हारी रजा वो मेरी रजा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब दिखाओ, दिखाओ कौन है वो बीबी? इस्माइल के सिलसिले में होनी चाहिए और रसूल है, वरना तुम कुछ ना कुछ करते। अब फंस गए हो कि रसूल है, तुम फंस गए हो, जो कुछ मिलेगा यहाँ रद्द बदल करना पड़ेगा। यहाँ एक ही घर तुम्हें मिल गया, अब क्या करोगे? यही सबब था कि अली की माँ काबे में आई। नारे हैदरी, और मुसलमान के सर पर कुरान रखो, मुसलमान के सर पर कुरान रखो। जनाबे मरियम को जब दर्द ज़िर शुरू हुआ तो बाहर से तो ताला लगा हुआ था, बीबी कैसे बाहर निकली? दीवार शिगाफ हुई, दीवार शिगाफ हुई, बीबी मरियम बाहर निकली। फर्क ये है,
सिलसिले में और इस्तहा के सिलसिले में ये फर्क है कि यहाँ दीवार शिगाव करके मरम को बाहर निकाला जाता है और वहाँ काबे के दीवार को शिगाव करके बीबी को अंदर अरे वहाँ दीवार शिगाफ हो जाए तो मुसलमान को यकीन है और यहाँ आ जाए तो मुसलमानों को यकीन नहीं। और लेकिन अल्लाह ने ईसा के आने से पहले कुछ मरियम से गुफ्तगु की है, वो कुरान में है। मैं आयतें पढ़ना, भाई घबरा तो नहीं गए ना? देखो मैं डरता हूँ कि कहीं आप घबरा, वैसे पंजाब के आदमी घबराते तो नहीं, जो 72 घंटे बैठते हैं, अगर मैंने 1.5 घंटा पढ़ा तो क्या हुआ? समझ गया चाह रहा हूँ, दो रातें रह गई हैं। अजीजान मोहतरम, ये अल्फाज है कुरान के, इज कालतिल मलाइकत या मरियम इन अल्लाह युबश्शुरुकि बिकलमति मिन, मलाइका ने मरियम को कहा कि हम तुम्हें मुबारक देते हैं एक बेटे की जो कलमा है, जो कलमा, कलमा पढ़े नहीं, जिसका वजूद कलमा। लाहौर वालों के लिए, नौजवानों के लिए खास, इनल्लाह युबश्शिरुके बिकलमत मिन्हु, उसकी मुबारक देता है जो खुदा का कलमा है। कलमा, ईसा का वजूद कलमा, वजूद कलमा, वजूद मलफूजी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूल्ला नहीं, उसका वजूद कलमा, उसका वजूद कलमा। आज यहाँ बहस हो रहा है, अली कलमे का जुज है या नहीं, अली आजान का जुज है या नहीं, अली तशहुद का जुज है या नहीं। शर्म करो, अरे ईसा तो खुद वजूद कलमा है, अगर ईसा वजूद कलमा है तो अली वजूद कलमा है, अली वजूद आजा है, यानी अली जुजे आजा नहीं, अली कुल आजा। नारा है दरी, जो जुज कहे वो पक्का मोमिन नहीं। अब उसको अली में शक है, अली का वजूद कलमा, अली का वजूद कलमा। इंशाल्लाह ये आखिरी मजलिस में जो मैं नतीजा निकालूंगा उसमें पढ़ूंगा, अली का वजूद कलमा, इस्मुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरत व मिनल मुकर्रबीन। अल्लाह ने बीबी को कहा कि हम तुम्हें एक बेटे की मुबारक देते हैं जो मेरा कलमा होगा, लकब उसका मसीह होगा, नाम उसका ईसा होगा, वो दुनियाई आखिरत में बा आबरू होंगे और मेरे मुकर्रबीन में से होंगे, ऐसा अता करूंगा, होगा होगा, नाम होगा, अभी आया नहीं, नाम भी खुदा ने रखा। आज अगर ऐसी बात बताऊं लाहौर में, अगर 12 महीने तक तुमने मुझे याद नहीं किया तो मैं मिंबर पर नहीं आऊंगा। नाम रखा, नाम खुदा ने, खुदा ने, नाम खुदा ने रखा, लकब मसीह है बेटा, लकब मसीह, नाम ईसा, दुनिया आखिरत में बाबरू, मुकर्रबीन में से होंगे। وَيُكَلِّمُنَاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, वो जिस तरह गवारे में बात करेंगे, इस तरह बुढ़ापे में बात करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे। अल्लाह ये पहले क्यों बता रहा है? किसी बेईमान के जहन में बैठ न जाए कि अगर ईसा बाद में कलाम करता, ये मौजजा था। अल्लाह ने कहा जाहिल, ये मौजजा नहीं, मासूम जब भी चाहे बात कर सकता। नारा है दरी, मासूम जब भी चाहे बात कर सकता, बात कर
सकता है। मैंने नाम रखा। वो जिस तरह गवारे में बात करेगा, इस तरह बुढ़ापे में। قال يا رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر। بیوی نے کہا یا اللہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا، میں تو موسوما ہوں۔ عجیب جملہ اللہ نے کہا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے عمران کو کہا تھا کہ دوں گا بیٹا، ہوئی بیٹی۔ نوجوانوں بھاسکروں سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے عمران کو کہا تھا کہ بیٹا دوں گا، نبی ہوگا، صاحب کتاب ہوگا، ہوئی بیٹی۔ اب مریم کو ہوا بیٹا، تو جب بی بی مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، قال کذلک اللہ، تو اللہ نے جواب دیا یہ میں نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ افسوس کی بات ہے، یہ میں نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ میں نے جو عمران کو کہا تھا کہ تمہارا بیٹا ہوگا، آج یہ اس کا جواب ہے، آج یہ اس کا جواب ہے۔ یعنی یہ عیسیٰ عمران کا نواسا نہیں، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ عمران کا بیٹا ہے، نواسا نہیں۔ تو مسلمانوں سمجھ میں نہیں آیا، جب عمران کا بیٹا عیسیٰ، عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے، جب عمران کا نواسا عیسیٰ، عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو بتول کی اولاد نواسے رسول کے بیٹے کیوں نہیں؟